नमस्कार दोस्तों, अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने राम सेतु के रहस्य से पर्दा उठा दिया है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, तभी आप पूरी जानकारी हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, राम सेतु के अस्तित्व को लेकर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने बड़ा खुलासा किया है। निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों ने समुद्र के बढ़ते जल सत्र और विभिन्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अवशेषों के कार्बन डेटिंग का सहारा लिया। इससे मिले समय को वैज्ञानिकों ने रामायण काल से जोड़ा तो दोनों की टाइमिंग एक समान पाई गई। यह अध्ययन वाड़िया हिमालय भूविज्ञान संस्थान में आयोजित की गई नेशनल जियो रिसर्च स्कॉलर्स मीट में शेयर किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था वर्तमान सलाहकार व पूर्व मुख्य वैज्ञानिक राजीव निगम के अध्ययन में दावा किया गया है कि राम सेतु करीब 7000 साल पहले अस्तित्व में था। सबसे पहले दोस्तों, आपने अभी तक अपने इस चैनल अद्भुत दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसी वीडियो आपको तभी मिल पाएंगे जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों, आपको जो लाल अक्षर सब्सक्राइब लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है, और अब जो ये अलार्म का घंटी का ऑप्शन आया है इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, भविष्य में हम कभी भी कोई वीडियो डालेंगे तो वो आपको तुरंत मिलेगी और आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आएगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। वाल्मीकि रामायण के आधार पर रिसर्च किया गया, इसका सहारा लिया गया। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के सलाहकार राजीव निगम के मुताबिक राम सेतु की हकीकत का पता लगाने के लिए सबसे पहले रामायण काल की अवधि जानना जरूरी था। इसके लिए उन्होंने शोधार्थी सरोज बाला के वाल्मीकि रामायण के आधार पर किए गए रिसर्च का सहारा लिया, जिसमें वाल्मीकि रामायण में दर्ज तारों की स्थिति का पता लगाकर प्लेनिटोरियम सॉफ्टवेयर से उस काल का समय निकाला गया। यह अवधि करीब 7000 साल पुरानी पाई गई। इसके बाद तब से अब तक समुद्र के जल सत्र में आए बदलाव की गणना की गई। पता चला कि तब से लेकर अब तक समुद्र का जल सत्र 3 मीटर बढ़ गया है, और अभी राम सेतु के पत्थर पानी से इतने नीचे तक नहीं पाए गए हैं, यानी तब राम सेतु के पत्थर सतह पर रहे होंगे और वह पुल की शक्ल में नजर आते होंगे। बताया गया कि राम सेतु का पता चलने के बाद सेतु के पत्थरों में मौजूद सूक्ष्म जीवी कोरल उलाइट्स आदि के अवशेषों की कार्बन डेटिंग कराई गई। इनकी अवधि भी 7000 साल पुरानी पाए जाने के बाद यह साफ हो गया कि वाल्मीकि रामायण में दर्ज काल और राम सेतु के पत्थर एक ही अवधि को दर्शाते हैं। वैज्ञानिक राजीव निगम के मुताबिक राम सेतु भारत के पूर्वी तटीय किनारे रामेश्वर द्वीप और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य में चूना पत्थरों से बना है। इतिहास के प्रमाणों के अनुसार बताया जाता है कि इसकी लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर थी। मान्यता है कि श्री राम व उनकी सेना ने इसी पुल से लंका पहुंचकर रावण पर विजय हासिल की थी। रामायण काल का ये पुल दोस्तों अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा पुल तब था, ऐसा पुल आज तक कोई नहीं बना सका। आप सोचिए, आज जो पुल बनते हैं 50-60 साल के अंदर वो ध्वस्त हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अवधि कितनी होती है, 100-150 साल, बस इतने भी नहीं चल पाते। लेकिन ये हजारों साल पुराना पुल है जो आज भी ठीक है। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे देश में, इस आर्यवर्त में, हमारे जो आर्य भाई हैं, जिनको हिंदू कहा जाता है, जो हिंदू हैं, वही मिलकर इस देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। हम दोष देते हैं मुसलमानों को और दूसरों को, जबकि ऐसा नहीं है मित्रों। आप खुद ही देख लीजिए, काफ़ी सारे वकील हैं जो खिलाफ लड़ते हैं, जो राम सेतु के खिलाफ लड़ते हैं, तोड़ने के लिए लड़ते हैं, उनमें हिंदू ही सबसे पहले हैं। और अभी जो केरल में घटना घटी है गाय को काटने की, उसमें भी हिंदुओं का ही हाथ है। दोस्तों, अपनी निष्ठा को बंद करना इन लोगों को होगा। और राम थे, रामायण काल था, ये बात प्रमाणित सिद्ध हो चुकी है। लेकिन अभी भी कुछ भांड किस्म के और नीच किस्म के व्यक्ति हैं जो कि हो अल्लाह मचाएंगे, लेकिन उनके हो अल्लाह मचाने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक ये पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि जब भी हमको वीडियो डालें तो आपको तुरंत मिले। तो दोस्तों, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में।